नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं और कब हम शैल और विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं और एक फ्रेज होती है बी गोइंग टू, तो कब हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है कि जब भी आप कोई चीज़ ऐसे बात बताने जा रहे हैं जो किसी टाइम टेबल या किसी शेड्यूल का हिस्सा है, मींस उन चीज़ों को करने के लिए अगर आपको टाइम टेबल बनानी पड़ती है या कोई शेड्यूल बनाना पड़ता है, या हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, किसी ऐसी बात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका टाइम टेबल बना हुआ है या उसका शेड्यूल बना हुआ है, अगर उसमें हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं और एक विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस देखिए, एग्जांपल देखिए, द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव्स एट 8 AM, दिल्ली जाने वाली ट्रेन सुबह 8 बजे जाएगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ट्रेन्स होती हैं, बसेज होती हैं या कोई क्लासेस होती हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है जिसके जो शुरू होता है, बिगिन होता है या जो भी, तो इनके लिए कोई ना कोई शेड्यूल बनता है, कोई ना कोई टाइम टेबल बनती है। तो कोई भी ऐसा कोई काम है जिसका टाइम टेबल बनता है, शेड्यूल बनता है, तो उसके लिए उसमें अगर हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीव्स, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग निकलेगा कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन सुबह 8 बजे जाएगी। ठीक है, तो जाएगी मीन्स ये काम फ्यूचर में होने वाला है। हम बात कर रहे हैं 8 बजे से पहले, 8 बजे ये गाड़ी जो है दिल्ली जाने वाली है और ये 8 बजे यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर हम विल लीव भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको हम विल लीव ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम विल लीव लिखेंगे तो भी ये करेक्ट रहेगा। दूसरी चीज़, कोई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फिक्स होती हैं, कोई उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, मीन्स वो अनचेंजेबल होती हैं, उनमें अगर हम उनमें चेंज करना भी चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। तो उनमें अगर हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें अगर हम फ्यूचर टाइम को बोध कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे द सन राइजेज एट 5:16 टुमारो, जो सन है वो कल सुबह 5:16 पर जो है उदय होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य का उदय होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन बींग के कंट्रोल में नहीं है, ये कुछ फिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेंगे तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया गया है, यहाँ पे हम विल को यूज नहीं करेंगे। तो कभी भी आपको कोई ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो किसी टाइम टेबल का हिस्सा है या कोई शेड्यूल का हिस्सा है, मीन्स उसको करने के लिए कोई टाइम टेबल बनाना पड़ता है या कोई शेड्यूल बनाना पड़ता है, और अगर उनमें आप कोई उनमें अगर हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, चाहे विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे द सन राइजेस ये जो वाला जो एग्जाम्पल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, अनचेंजेबल होती हैं, उनमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते, जाकर भी चेंज नहीं कर सकते। तो उनमें अगर हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। आगे है, कई बार क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक होती है सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये दो क्लॉज होती हैं। तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है, अगर इन कंजक्शन से शुरू हो, आफ्टर से, एज सून एज से, बिफोर, बाय द टाइम, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, अगर इनसे ये सबॉर्डिनेट क्लॉज शुरू है और इसमें अगर हम कोई फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, या फिर हम यहाँ पे विल यूज नहीं करेंगे हम किसी भी सूरत में, हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे व्हेन यू सी सोहन टेल हिम ही स्टिल ओज मी सम मनी, जब तुम्हें सोहन मिले तो उससे बताना कि उसको मुझे अभी कुछ पैसे देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब तुम्हें सोहन मिले तो सोहन का मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा, तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम के लिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। और ये क्लॉज है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्लॉज कहाँ से शुरू है, व्हेन से शुरू है।
तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, हालांकि इसका मीनिंग जो है वो फ्यूचर है। इसमें जो है ये जो मतलब मिलने की जो बात है वो कब होगी, वो फ्यूचर में होगी, फ्यूचर टाइम में होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाई द टाइम यू गेट बैक, मैं इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लूँगा जब तक तुम आओगे। तो यहाँ पे देखिए बाई द टाइम है ये, और उसके बाद में ये क्लॉज है, ठीक है। ये बाई द टाइम, ये जो पूरी एक क्लॉज है जो बाई द टाइम से शुरू है, ये बाई द टाइम यहाँ पे कंजक्शन है, और बाई द टाइम यहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसमें भी हम इसके बाद भी जो है फ्यूचर टाइम है, जैसे अगर हम मीनिंग निकालें तो मैं इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लूँगा जब तक तुम लौटोगे, तो लौटने का काम कब होगा, फ्यूचर टाइम ही होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, विल का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, विल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है एरर होगा। आगे हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और वो कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं, इन केस से शुरू हो सकता है, प्रोवाइडेड से शुरू हो सकता है, या अनलेस से शुरू हो सकता है। तो जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस होगा तो इन कंजक्शन से शुरू होगा, और उस कंडीशनल सेंटेंस में इन कंजक्शन के बाद अगर हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। विल का यूज़ भी नहीं करेंगे और किसी भी टेंस का यूज़ करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो ये देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, तो यहाँ पे ये इफ़ से शुरू है ये, और यहाँ पे फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया गया है, अगर तुम मेहनत करोगे, मीन्स मेहनत कब करने की बात कही गई है, फ्यूचर टाइम में। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। आगे देखिए, आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस बाई माई कार इन केस इट स्नोज, अगर बर्फ़ पड़ी तो मैं अपनी कार में अपने ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो अगर बर्फ़ पड़ी, तो बर्फ़ पड़ने की बात कब कही गई है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में बर्फ़ पड़ने की बात कही गई है, तो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना है, और ये रहा कंजक्शन। और यहाँ पे अगर हम टेंस यूज़ करेंगे तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए, अनलेस यू से सॉरी आई विल नॉट फॉरगिव यू, जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगे तब तक मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी देखिए, अनलेस यू से सॉरी, जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगे, तो सॉरी कब कहने की बात कही गई है, फ्यूचर टाइम में। तो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, हालांकि मीनिंग फ्यूचर का है। यहाँ पे फ्यूचर जो है टाइम को एक्सप्रेस किया गया है, तो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पे जो ये क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है, वो एक अनलेस से शुरू है। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो और क्लॉजेस यहाँ इनसे शुरू हो, तो उनके बाद अगर हमें फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इन शब्दों से शुरू होते हैं, सपोज से, सपोजिंग से, या व्हाट इफ से, ठीक है। इनसे कुछ सेंटेंसेज शुरू होते हैं, तो अगर इनसे कुछ सेंटेंसेज शुरू होते हैं, उस सेंटेंस में अगर हमें फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना हो तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, हालांकि वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सपोज वी मिस द बस, मान लीजिए कि हमारी बस मिस हो जाए, तो हाउ विल वी गेट होम, तो हम घर कैसे पहुँचेंगे। तो सपोज वी मिस द बस, अगर हमारी बस मिस हो जाए, तो बस के मिस होने की बात कही है, तो मिस बस कब मिस होने की बात कही है, फ्यूचर टाइम में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, यहाँ पे हम मिस्ड भी लिख सकते हैं, तो बोथ विल बी करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इफ़ द ट्रेन इज़ लेट, अब क्या होगा अगर ट्रेन लेट हो जाए, वेयर सेल, मतलब व्हाट इफ़ द ट्रेन इज़ लेट, यदि ट्रेन लेट हो जाए, वेयर सेल आई मीट यू देन, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा। तो यहाँ पे भी देखिए, ट्रेन लेट होने की बात कही गई है, ट्रेन लेट कब होने की बात कही गई है, फ्यूचर टाइम में। तो फ्यूचर टाइम में ट्रेन लेट होने की बात कही गई है, तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना है। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे भी हम वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इसका यूज़ करें, वाज का यूज़ करें, मीन्स यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें, तो बोथ विल बी करेक्ट, कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं, या कब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो सब चीज़ें अब हम जानेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे देखिए, अगर आपको ऐसी बात बोलने जा रहे हैं जो फ्यूचर में होगी, अगर आपको ऐसी बात बोलने जा रहे हैं जो फ्यूचर में होगी, ठीक है, फ्यूचर में होगी, और उसकी प्लानिंग आपने अभी बना रखी है ऑलरेडी, अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं काम होना है फ्यूचर में, और उसकी प्लानिंग आपने पास्ट में बना रखी पहले ही, ठीक है, लेकिन अब जब बोल रहे हैं उस समय उस कार्य की प्लानिंग आपने बना के तैयार कर रखी, तो ऐसे कार्य के बारे में बताने के लिए जो है हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, आर यू सीइंग द डॉक्टर अगेन नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले सप्ताह दोबारा डॉक्टर से मिल लोगे।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब यह है कि क्या तुमने अगले सप्ताह दोबारा डॉक्टर से मिलने की जो योजना बना रखी है, प्लानिंग बना रखी है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम बी गोइंग टू एक फ्रेज होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं आर यू गोइंग टू सी द डॉक्टर अगेन नेक्स्ट वीक। इसी प्रकार से यहाँ पे ये है दे आर होल्डिंग ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह एक मीटिंग को होल्ड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक इस सेंटेंस का मतलब भी यही है कि क्या उन्होंने अगले सप्ताह मीटिंग होल्ड करने की योजना बना ली है या बना रखी है, ऑलरेडी बना रखी है। तो यहाँ पर भी जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ जब आप करते हैं फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, वहाँ पर आपको टाइम ज़रूर बताना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वीक है, तो टाइम ज़रूर बताना है। अगर आप टाइम नहीं बताएंगे तो फिर मीनिंग जो है गलत निकलेगा। अब देखिए अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, दे आर होल्डिंग ए मीटिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे बोलते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है, इसका ये अर्थ निकलेगा। तो इसीलिए जब हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं तो फिर हमें टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कह सकते हैं दे आर गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग नेक्स्ट वीक। उसके बाद है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में घटित होनी होती हैं और उसका जो है हम उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन बींग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उनके बारे में बताने के लिए भी हम जो है बी गोइंग टू एक फ्रेज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। बी गोइंग टू इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन सून, मुझे लगता है कि जल्दी बारिश होने वाली है। तो हम जानते हैं कि जो बारिश का होना है ना होना ह्यूमन बींग के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हम ऐसे सेंटेंसेज में अगर हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी गोइंग टू का इस्तेमाल किया गया है तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। उसके बाद है मान लीजिए कोई ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो फ्यूचर में होगी, ठीक है, और फ्यूचर में जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक परमानेंट सिचुएशन बन जाएगी, परमानेंट फ्यूचर सिचुएशन ये बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं इस समय कहता हूँ कि भाई वो उनका जो नया घर है उसमें 3 फ्लोर्स होंगी, तो इस समय मैं बात कर रहा हूँ, ये काम कभी होगा फ्यूचर में कि भाई जब वो नया घर बनाएंगे तो उनके घर में 3 फ्लोर होंगी। तो ये काम फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 3 फ्लोर्स बन जाएंगी, और 3 फ्लोर्स जब बन जाएंगी तो हम जानते हैं कि सिचुएशन कैसी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए, इस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं या विल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो जैसे हर न्यू हाउस इज़ गोइंग टू हैव 3 फ्लोर्स, ऐसे कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हर न्यू हाउस विल हैव 3 फ्लोर्स। ठीक है, तो बोथ विल बी करेक्ट। तो ये कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।